हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कल यानी कि 6 अगस्त को आपका झारखंड का जो स्टेट कोटा का 85% काउंसलिंग है फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए जो है उसका मतलब मेरे सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड का आ गया है। आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। जैसे ही इसी ईबी वेबसाइट में जैसे ही जाइएगा ना, आप क्रोम पे लिखिएगा तो वेबसाइट आ जाएगा, उसका डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से तो आप देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली जो है ये वीडियो जो है आपका जैसे ही सीट अलॉटमेंट आया था फर्स्ट राउंड का, वैसे ही आप लोगों का कमेंट आने शुरू हो गया था कि फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज वाइज क्या कट ऑफ गया है, आप उसके लिए एक वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है, तो हम ठीक है, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो डेटा कलेक्ट कर रहे थे और साथ में जो है इस वीडियो में जो आपको कॉलेज वाइज कट ऑफ मिल जाएगा डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, और साथ में उसमें आपका स्टेट सीएमएल रैंक भी बताए हैं, क्योंकि आपका स्टेट कोटा 85% का जो भी काउंसिलिंग होता है उसमें स्टेट का रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑल इंडिया रैंक। तो स्टेट का रैंक को भी इंक्लूड किए हैं, मार्क्स भी बताएं इसमें, और ऑल इंडिया रैंक को भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ मिलेगा आपको सारे 6 मेडिकल कॉलेज, 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो झारखंड के हैं उसका मिल जाएगा। जैसे कि आपका एक रांची में रिम्स रांची हो गया, आपका MGM जमशेदपुर हो गया, धनबाद का जो मेडिकल कॉलेज है, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एक है, एक पलामू में है और एक दुमका में जो मेडिकल कॉलेज है। हाँ, यहाँ पे हम एम्स देवघर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एम्स देवघर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और उसका 100% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा से MCC का काउंसिलिंग के थ्रू होता है, उसमें स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता है। तो उसका 100% सीट जो होता है वो ऑल इंडिया कोटा से होता है, तो उसका अलग से वीडियो हम बना दिए हैं, तो चाहे तो देख सकते हो। उसमें सारे एम्स का कट ऑफ हम इंक्लूड कर दिए हैं, उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से कि तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो है ये कट ऑफ है तुम्हारा, ये झारखंड स्टेट कोटा 85% का जो फर्स्ट राउंड का जो इस साल 2023 में अलॉटमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट MBBS के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये देखो, ये रिम्स रांची का आपका कट ऑफ है, तो ये रिम्स रांची का जो इस बार का जो फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो दिया गया है ये क्या है, अलॉटेड कैटेगरी, किस कैटेगरी पे एडमिशन हुआ था। ठीक है, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है और ये नीट का स्कोर है और ये यहाँ पे स्टेट CML रैंक है। तुमको पहले ही बोले थे कि मोर इंपॉर्टेंट कौन है, तुम्हारा स्टेट का CML रैंक जो स्टेट रैंक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे तो अब तुम लोग देख सकते हो कि जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी है, उसका जो आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपका 10,580 पे क्लोज हुआ था। ये सब क्लोजिंग रैंक दिया गया है, क्या समझा कि लास्ट किस रैंक पे एडमिशन हुआ था, क्लोजिंग रैंक है सब। ठीक है, और जो उसका मार्क्स था वो 680 था और CML रैंक जो था 102 था। ठीक है, BC1 के लिए आपका जो ऑल इंडिया रैंक 13,328 पे क्लोज हुआ था और जो स्कोर था उनका 631 पे आपका लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। ठीक है, BC2 का जो है आपका, BC2 का आपका 14,022 के करीब गया था। ठीक है, और जो स्कोर था 630 पे क्लोज हो गया था। EWS आपका 19,000 के करीब अलॉटमेंट हुआ है लास्ट क्लोजिंग रैंक, और जो नीट स्कोर था उनका 618। यहाँ पे देख सकते हो कि बैक मतलब जो OBC के जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी है उससे कम कट ऑफ आपका EWS का गया है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि SC कैटेगरी का जो है, SC कैटेगरी के लिए आपका 1,19,000 पे क्लोजिंग रैंक गया था और जो 490 स्कोर था उनका। ठीक है, ये सब मार्क्स है नीट का आउट ऑफ 720। ठीक है, और ये जो नीट मतलब कि ST कैटेगरी के लिए आपका जो है 2,17,300 पे क्लोज हुआ था, और रिम्स रांची के लिए, ये सब रिम्स रांची के लिए है। ठीक है, और स्कोर जो है 409 पे, और यहाँ पे उनका सब स्टेट CML रैंक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, दूसरा BC1 ब्लाइंड, ये सारे जो है आपका, ये जो है आपका PH कैटेगरी के लिए, जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी होता है ना, तो उसका उस कैटेगरी का है। तो आप जो डिजेबल कोटा बोल लीजिए, फिजिकल हैंडीकैप बोल लीजिए, या PWD कैटेगरी बोल लीजिए, तो उसके लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट का PWD कैटेगरी से कमेंट आता है कि उनका भी कट ऑफ डिस्कस कर लिया कीजिए। तो हर वीडियो में हम PWD कैटेगरी भी इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे रैंक दिया गया, यहाँ पे नीट का स्कोर है और यहाँ पे स्टेट का CML रैंक है। तो वीडियो को पॉज करके आप देख लो, और या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लो तो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा प्रिमिटिव ट्राइब का जो कैटेगरी है, प्रिमिटिव ट्राइब के लिए जो अलॉटमेंट हुआ था आपका वो 11,47,000 पे करीब हुआ था, और नीट स्कोर 116 था उनका और स्टेट CML रैंक 2,198 पे, मतलब 2,198 पे क्लोज हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे रिम्स रांची का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे
आपका MGM जमशेदपुर का कट ऑफ, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज आपका जमशेदपुर, ठीक है, उसका फर्स्ट राउंड कट ऑफ। और हाँ, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के कॉन्सेंट रिलेटेड अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें। और हाँ, इसके मतलब ये तो हुआ 2023 का कट ऑफ, और आपको अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ चाहिए कि 2022 में क्या कट ऑफ था और एक्सपेक्टेड क्या रहने वाला है सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड में, तो उसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। दोनों का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, चाहो तो तुम देख सकते हो, ठीक है। और तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है MGM जमशेदपुर का कट ऑफ दिया गया, ठीक है, MGM जमशेदपुर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड 2023 का कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अलॉटेड कैटेगरीज दिया गया है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ये नीट का स्कोर है, ये स्टेट CML रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे UR अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था फॉर MGM जमशेदपुर के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 15,217 पे गया था, और जो नीट स्कोर था 627 था, स्टेट CML रैंक उनका 185 था। BC2 कैटेगरी के लिए जो है, BC2 कैटेगरी के लिए जो है आपका ऑल इंडिया रैंक जो कट ऑफ गया था MGM जमशेदपुर के लिए, वो आपका 16,351 पे गया था एंड नीट स्कोर 625 पे था, ठीक है। और BC1 कैटेगरी के लिए आपका 17,239 पे गया था एंड जो है उनका नीट स्कोर जो था वो 622 था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो जनरल और बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं है, 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस देखने को मिलता है हर साल कट ऑफ में, ठीक है। और EWS कैटेगरी को देख सकते हैं, EWS में ऑल इंडिया रैंक जो लास्ट अलॉटमेंट क्लोजिंग रैंक हुआ था MGM जमशेदपुर का इस साल फर्स्ट राउंड में, वो 26,601 पे क्लोज हो गया था एंड नीट स्कोर जो है उनका 604 है, और यहाँ पे स्टेट CML रैंक उनका 368 है, ठीक है। और SC कैटेगरी के लिए MGM जमशेदपुर के लिए आपका 1,38,188 पे क्लोज हुआ है और आपका नीट स्कोर उनका 472 था, ठीक है। और ST कैटेगरी जो है उनका, ST कैटेगरी MGM जमशेदपुर का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 2,55,265 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। और जो नीट स्कोर था उनका 384 पे हुआ था, ठीक है। और जो इसके स्टेट CML रैंक वो 1,284 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे देख सकते हो, ये PWD कैटेगरीज का कट ऑफ है, यहाँ पे उनके ये डिफरेंट कैटेगरीज है, और ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, ये नीट का स्कोर यहाँ पे दिया गया है, और ये स्टेट का CML रैंक है, ठीक है। तो ये PWD कैटेगरी है, जैसे कि आप लोग जानते हो गए PWD कैटेगरी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी या जो कैटेगरी होता है वो वाला, ठीक है। तो इसी के साथ MGM जमशेदपुर का स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड 2023 का कट ऑफ यहीं पर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं SNMCH धनबाद का कट ऑफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका SNMCH धनबाद का कट ऑफ है, ठीक है। SNMCH जो है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद, बट इसका पहला नाम जो था वो आपका PMCH धनबाद था, पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सर, ठीक है, दोनों एक ही कॉलेज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है आपका, ये यहाँ पे अलॉटेड कैटेगरी दिया गया है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ये नीट का स्कोर है, ये स्टेट CML रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया रैंक था, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है SNMCH धनबाद के लिए जो क्लोजिंग रैंक गया था वो 18,906 पे क्लोज हो गया, ठीक है। और जो स्कोर था उनका वो 619 था, ठीक है। और स्टेट CML रैंक जो है आपका 638 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और BC1 कैटेगरी के लिए 19,899 पे क्लोज हुआ है, ऑल इंडिया रैंक है, और नीट का स्कोर जो था उनका 617 पे। BC2 कैटेगरी जो है 20,134 पे क्लोज हुआ है एंड जो उनका स्कोर था 616 पे क्लोज हो गया। EWS कैटेगरी के लिए जो आपका ऑल इंडिया रैंक था, जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था आपका SNMCH धनबाद के लिए, वो 31,328 पे क्लोज हुआ है एंड उनका नीट का स्कोर जो था वो 596 पे एंड स्टेट CML रैंक जो है उनका 447 था, ठीक है। आप यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया रैंक था वो आपका 1,44,000 पे क्लोज हुआ है एंड जो स्कोर था उनका 4,466 पे एंड ST कैटेगरी के लिए जो क्लोज हुआ है SNMCH धनबाद वो आपका 2,86,713 पे क्लोज हुआ है एंड जो उनका स्कोर था वो था 6,365। ये नीट का स्कोर है आउट ऑफ 720, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टेट CML रैंक जो उनका था 1,353 था, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ये सब क्या है, ये सब PWD कैटेगरीज, डिफरेंट PWD कैटेगरी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला कैटेगरी है। यहाँ पे उनका अलॉटेड कैटेगरी दिया गया है, यहाँ पे उनका ऑल इंडिया का रैंक है, नीट का स्कोर है, ये स्टेट का CML रैंक है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी तुम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। एंड देन देख लेते हैं अब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। तो ये रहा आपका SBMCH मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, ठीक है। तो ये जो है आपका शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हजारीबाग एंड जो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो
स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड 2023 का कट ऑफ है, यहाँ पे वही अलॉटेड कैटेगरी दिया गया, ऑल इंडिया रैंक दिया गया, नीट का स्कोर है, ये स्टेट सीएमएल रैंक है। हाँ, वीडियो के एंड में जो है हम 2022 और 2023 का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो दोनों को कंपेयर करके भी दिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो जनरल कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी के लिए तो ऑल इंडिया रैंक जो है आपका वो 22,144 रैंक पे क्लोज हुआ है हजारीबाग का मेडिकल कॉलेज, एंड जो नीट का स्कोर था उनका 612 पे, एंड स्टेट सीएमएल रैंक 292 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। बीसी टू कैटेगरी जो है 23,000 रैंक पे 312 और 610 स्कोर पे क्लोज हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ बीसी वन और बीसी टू कैटेगरी में ज़्यादा अंतर नहीं रहा था, नहीं है इस बार आपका एसबीएमसीएच हजारीबाग में, ठीक है। तो यहाँ पे 610 पे ही क्लोज हुआ है बीसी वन भी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को थोड़ा डाउन गया है कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 34,367 है, एंड जो नीट का स्कोर था उनका वो 591 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो स्टेट सीएमएल रैंक जो है वो 506 था, ठीक है। और एक एससी कैटेगरी के लिए 1,49,865 पे क्लोज हुआ है, और जो नीट का स्कोर था उनका 461, यहाँ पे स्टेट का सीएमएल रैंक दिया गया। एसटी कैटेगरी जो है आपका ऑल इंडिया रैंक जो है 312,000 के करीब था, एंड नीट का स्कोर जो है वो 351 है, ठीक है। एंड जो उनका स्टेट सीएमएल रैंक 1,402 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब जो कैटेगरी है ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है, ठीक है। यहाँ पे उनका ऑल इंडिया रैंक है, ये आपका नीट का स्कोर है, और ये इस स्टेट का सीएमएल रैंक है। चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब इसके बाद आता है आपका दूसरा मेडिकल कॉलेज जो है क्या है आपका फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फूलो जानो मेडिकल कॉलेज दुमका जो है यहाँ पे स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड 2023 का कट ऑफ है, यहाँ अलॉटेड कैटेगरी है, ये ऑल इंडिया रैंक है, नीट स्कोर है, स्टेट सीएमएल रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का जो दुमका मेडिकल कॉलेज, हाँ इसको जो है फूलो जानो से पहले इसको दुमका मेडिकल कॉलेज बोलते थे, ठीक है। और ऑल इंडिया रैंक जो है इनका जो जो क्लोजिंग रैंक था जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था 25,989 पे क्लोज हुआ है, और जो नीट स्कोर था वो 605 था, यानी स्टेट सीएमएल रैंक जो है 360 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और बीसी टू कैटेगरी का जो ऑल इंडिया रैंक पे जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था फॉर बैकवर्ड क्लास टू कैटेगरी के लिए 26,900 पे क्लोज हुआ है, एंड जो नीट का स्कोर था वो 604 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और स्टेट सीएमएल रैंक 382 पे। बीसी वन कैटेगरी जो है 28,000 पे क्लोज हुआ है, एंड जो उनका नीट स्कोर है वो 601 पे क्लोज हुआ है, स्टेट सीएमएल रैंक 399 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस जो है आपका 40,000 पे क्लोज हुआ है। तो देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का कंपैरेटिवली जनरल और बैकवर्ड क्लास से थोड़ा कम कट ऑफ गया है इस बार, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो कि नीट स्कोर जो है वो 582 पे उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हो स्टेट सीएमएल रैंक जो है उनका 577 पे गया है। एससी कैटेगरी के लिए जो देख सकते हो 1,60,000 पे क्लोज हुआ है, एंड जो उनका स्कोर है वो 4,552 पे। एसटी कैटेगरी के लिए तुम देख सकते हो यहाँ पे कि 3,55,000 के करीब कट ऑफ गया है फॉर फूलो जानो मेडिकल कॉलेज, एंड नीट का स्कोर जो था उनका वो 329 पे क्लोज हुआ है, एंड जो स्टेट का सीएमएल रैंक है वो उनका 1,486 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये पीडब्ल्यू डिफरेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का है, ठीक है। और ये उनका ऑल इंडिया रैंक है, यहाँ पे नीट का स्कोर दिया गया है, और ये स्टेट का सीएमएल रैंक है, ठीक है। तो इसी के साथ ये फूलो जानो मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ यहीं पे खत्म होता है फर्स्ट राउंड का। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट मेडिकल कॉलेज झारखंड का, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झारखंड का लास्ट जो है आपका मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू, ठीक है। तो ये देख सकते हो मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है आपका 2023 का। तो यहाँ अलॉटेड कॉलेज दिया गया है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ये नीट का स्कोर है, यहाँ पे स्टेट का सीएमएल रैंक दिया गया, ठीक है। और ये डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी का जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है कि इस साल का क्लोजिंग रैंक जो है फर्स्ट राउंड का तो वो 28,177 पे, एंड जो नीट का स्कोर है वो 601 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। एंड स्टेट सीएमएल रैंक जो है 401 पे क्लोज हुआ है। बीसी वन कैटेगरी जो है आपका ऑल इंडिया रैंक जो है क्लोज हुआ है आपका 29,426 पे, एंड जो उनका स्कोर था वो 599 पे, एंड स्टेट का सीएमएल रैंक जो है उनका 423 था। बीसी टू बैकवर्ड क्लास टू कैटेगरी जो है 29,615। तो देख सकते हो यहाँ पे बीसी वन बीसी टू में ज्यादा अंतर नहीं है, मार्क्स में 599 पे ही क्लोज हुआ है, एंड वो स्टेट सीएमएल रैंक 425 था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है 40,989 पे क्लोज हुआ है, तो फॉर पलामू का मेडिकल कॉलेज, एंड हाँ मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू को पहला पलामू मेडिकल कॉलेज बोलते थे, ठीक है। और इसका जो है नीट का स्कोर जो है 581 है, एंड उनका सीएमएल रैंक जो था वो 582 है। और एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था तुम्हारा पलामू मेडिकल कॉलेज के लिए वो 1,71,067 पे क्लोज हुआ है, एंड नीट का स्कोर जो है वो 444 पे क्लोज हुआ था, ठीक है। एंड जो
स्टेट का सीएमएल रैंक है उनका 1105 पे क्लोज हो गया है। एसटी कैटेगरी के लिए देख सकते हैं 3,66,000 तक कट ऑफ गया है 428। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो उनका नीट का स्कोर था 324 था एंड जो उनका स्टेट का सीएमएल रैंक है वो आपका 1506 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और ये डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये पीडब्ल्यूडी डिफरेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज का कट ऑफ दिया गया है। यहाँ पे उनका ऑल इंडिया रैंक है और ये आपका नीट का स्कोर है। और जैसे कि हम आपको वीडियो के पहले भी बोले पहले में ही बोले थे कि 2022 और 2023 का फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था डिफरेंट कैटेगरीज को के लिए उसको हम कंपेयर करके भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करो एक मिनट। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रहा तुम्हारा कंपैरिजन पूरा। तो ये तुम्हारा पूरा कंपैरिजन है फॉर एम। तो वीडियो को पॉज करके चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको वेट हाँ तो इसको तुम लोग देख सकते हो कि देखो यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी का इस साल 2023 में क्या कट ऑफ रहा 28,000 था गया, ठीक है। और यहाँ पे 2022 में आपका जो है 25,000 पे ही क्लोज हो गया था। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो है रैंक जो है स्टेट का 401 तक क्लोज हुआ है लेकिन स्टेट के सीएमएल रैंक लास्ट ईयर 368 पे क्लोज हो गया था। तो तुमको यहाँ और लेकिन यहाँ स्कोर में देखो, ठीक है, स्कोर में 591 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर लेकिन इस साल जो है 601 पे। तो तुमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि रैंक वाइज जो है कट ऑफ गिरा है इस साल, तो समझा। तो रैंक के अकॉर्डिंग जो है ना पिछले बार 25,000 पे क्लोज हुआ था लेकिन इस साल जो है फर्स्ट राउंड 28,000 पे क्लोज हुआ है, जबकि स्टेट सीएमएल रैंक में वही 368 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर लेकिन इस साल 401 पे क्लोज हुआ। तो देख सकते हो कि रैंक जो है इस साल रैंक का कट ऑफ गिरा है। बट क्योंकि तुम लोग जानते होगे कि लास्ट इस साल जो है मार्क्स और रैंक में थोड़ा इन्फ्लेशन दिखा गया कि सेम रैंक के स्टूडेंट को ज़्यादा ये मार्क्स लाना पड़ा था, इस साल लाना पड़ा है सो दैट उनको एक अच्छा रैंक आ सके। रैंक में थोड़ा इन्फ्लेशन हो गया इसलिए यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लास्ट ईयर जो है 591 पे फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था लेकिन इस साल जो है 601 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका 10 मार्क्स इंक्रीज कर गया, 10 मार्क्स इंक्रीज कर गया है, मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ बढ़ गया लेकिन अगर रैंक वाइज देखोगे तो कट ऑफ गिरा है, ठीक है, लास्ट ईयर से। जो भी है तुम लोग के अकॉर्डिंग जो आप लोग को सही लगता है वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो अब BC1 कैटेगरी के लिए जो 2023 में है यहाँ पे देख सकते हो 29,000 पे था लेकिन लास्ट ईयर जो है 26,000 पे ही क्लोज हो गया था। यहाँ पे उनका मार्क्स दिया गया है, ये स्टेट का सीएमएल रैंक है। वहीं पे वेट एक मिनट, हाँ तो ये देख सकते हो तुम लोग कि ये BC2 कैटेगरी का यहाँ पे दिया गया 2023 में जो है 29,000 पे क्लोज हुआ था लेकिन 2022 में लास्ट ईयर जो है 26,000 पे ही क्लोज हो गया था। उसी तरह तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ठीक है, तो EWS कैटेगरी जो 2023 में है, EWS कैटेगरी का 2023 में 40,989 पे क्लोज हुआ है इस साल जबकि लास्ट ईयर 2022 में 33,000 पे ही क्लोज हो गया था, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे कि 2023 में आपका जो रैंक था SC कैटेगरी के लिए वो 1,71,000 गया है इस साल बट लास्ट ईयर जो है 1,52,000 पे ही क्लोज हो गया था फर्स्ट राउंड में। ये सब फर्स्ट राउंड का ही बता रहे हैं, ठीक है, सारे जो है राउंड वन का कंपेयर करके दिखा रहे हैं, राउंड वन का 2022 और 2023 का दोनों कंपेयर करते रहे, ठीक है। SC कैटेगरी का जो है 2023 में फर्स्ट राउंड में 3,66,000 गया है इस साल बट लास्ट ईयर 2022 में 3,22,000 पे ही क्लोज हो गया था। और सारे को यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो दिया गया ना यहाँ पे वेट, ये जो दिया गया है ये जो है ये आपका अलॉटेड कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट का सीएमएल रैंक है, नीट का स्कोर है, ऑल इंडिया रैंक है, कौन सा साल है और ये अलॉटेड कॉलेज है, मतलब वो कैटेगरी है, ठीक है। तो चाहो तो एक बार हम वीडियो को मतलब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और हाँ एक बार काउंसलिंग से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है ना उसको सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहाँ पे तुम ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स तुमको सबसे पहले वहाँ पे मिल जाएंगे। और दूसरा बात, अगर लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं हो रहा है तो तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपल टेलीग्राम ऐप खोलो, वहाँ पे जाके सिंपल सर्च करो मोहित बर्नवाल एम्स, और जैसे ही सर्च करोगे चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है सारे को हम ऊपर पिंड मैसेजेस जो दिख रहा है वहाँ पे पिन कर देते हैं, उसको जैसे ही टच करोगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा बात, कुछ तुमको प्रॉब्लम होगा काउंसलिंग से रिलेटेड तो तुम
कमेंट में पूछ सकते हो, अगर हमको रिलेवेंट लगा तुम्हारा डाउट तो उस पर एक कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो बना दे, ठीक है। और भी आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना, अगर टाइम मिला तो कोशिश करेंगे उस पर भी एक वीडियो बना दे। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।